भजनी ताल का चौथा पार्ट बताएंगे। और उससे पहले अभी हम श्री धाम मायापुर में है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेंपल के बैक साइड में ही हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी भक्तों के लिए। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए हमारी इस वीडियो को। आइए जो हमारा मंत्र है उसको देखते हैं। मंत्र है धे धे ना खी खी ना खी खी ना, धे ना खी खी ना खी खी ना, धे ना धे ना खी खी ना खी खी ना। तो मंत्र हो गया हमारा धे ना, सेकंड लाइन खी ना खी खी ना, धे ना खी ना खी खी ना। ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी बोलिए और ट्राई करिए। जैसे धे ना जो धे ना धे ना जो तीसरा वाला धे आ रहा है वो थोड़ा धे ऐसे बता रहा हूँ मैं, थोड़ा लंबा जा रहा है तीसरा वाला धे। इसी प्रकार से सेकेंड लाइन का जो तीसरा खी है वो भी लंबा जाएगा, खी खी ना धे ना खी ना खी खी ना, रखिएगा। ये जो मंत्र है चौथा वाला जो हमारा ये पार्ट है इसको हम हर समय यूज नहीं करेंगे कीर्तन में, ये भी एक तरह का वेरिएशन ही है। बिकॉज ये कीर्तन में ज़्यादा यूज करने से अच्छा नहीं लगता। ये जैसे भजनी ताल हमारा एक से लेके तीन तक जो पार्ट है उनको बजाते बजाते इसको ऐड कर सकते हैं, उनके बीच में ये ऐड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, धे ना खी ना, ये कैसे हम दूसरे वाले मंत्र के बीच में ऐड करेंगे। जैसे धे ना खे ना खी ना खी ना, जैसे ये पहला मंत्र है हमारा भजनी ताल का पहला पार्ट है, इसको हम इसके बीच में हम इसको ऐड करेंगे कीर्तन के साथ। मैं गा के दिखाता हूँ आपको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे राधे। तो जो धे ना खी ना, ये मंत्र जो हमारा पहला पार्ट है उसके बीच में हम इसको ऐड करेंगे चौथा वाले पार्ट को, हर समय हम इसको नहीं बजाएंगे। होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको और इजी वे में बताने का ट्राई करूँगा। हरे कृष्णा।